हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। आज कुछ हफ्तों पहले बल्कि अमार खान ने, जो आज फिर से हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा समा मनी के लिए, जिसमें उन्होंने FPR का टैक्स डेटा असेस किया और उसके अंदर देखा कि जो कराची की बाजारें हैं, बिलखसूसन सदर और जोड़िया बाजार, वो पाकिस्तान की बाकी बाजारों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स देती हैं। सेल्स टैक्स नहीं, इनकम टैक्सेस, यानी कि जो आमदन है ताजरों की, वो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं। और उस पर एक फिर सोशल मीडिया पे हमारी आपस में भी बात हुई कि इसका मतलब क्या है और क्यों ऐसा होता है। तो मैं, अमार, शाहरुख और कुछ और लोग इस बारे में सोशल मीडिया पे बात कर रहे थे, सोचा कि आज अमार और शाहरुख को दावत दी जाए, इस बारे में बात की जाए। तो अमार, पहले तो आपसे शुरू करते हैं। आपने आर्टिकल लिखा और डेटा को बड़े गौर से देखा था FPR के, तो क्या आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें नजर आई इस डेटा के अंदर इनकम टैक्स पे? उज़ैर, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये थी कि फाइनली FPR ने डेटा ऐसे फॉर्म में दिया जिसको थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं। पहले आपको ये नहीं समझ आता था कि जी कौन सा डेटा कहाँ का है, कैसा है। एक बहुत बड़ी सी एक फाइल होती है, वो आ जाती है, जिसमें कोई 1.5 मिलियन रोज होती हैं, यानी कि 15 लाख डेटा पॉइंट उसमें होते हैं। अब आप उसमें उसे ढूंढते रहें, जिसका ढूंढना है, किसी दोस्त यार का निकालना है तो आप वो जरूर निकाल सकते हैं ये पता करने के टैक्स कितना दिया उसने। मगर उसमें कोई एक ऐसी असेसमेंट नहीं हो सकती जिससे आप कुछ किसी भी किस्म की पॉलिसी डिराइव कर सकें। इस दफ़ा FPR ने जो डेटा दिया, और उसमें जो है, मैं दाद दूंगा शबर जैती साहब को, वो उनका ब्रेन चाइल्ड था, कि उन्होंने मार्केट्स के हिसाब से डेटा दिया कि किस मार्केट में कितने रिटेलर हैं या कितने होलसेलर हैं और वो कितना टैक्स पे करते हैं। उससे हमें काफ़ी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने में आई। एक जो चीज़ उसमें देखने में आई वो ये थी कि सबसे ज़्यादा जो ऑब्वियसली टैक्स दिया जाता है मार्केटों का, वो कराची से दिया जाता है, ठीक है। मगर कराची में भी सिर्फ जोड़िया बाजार और सदर की जो मार्केटें हैं, क्योंकि तो बहुत बड़ी मार्केट हैं, कोई भी कराची में अगर रहता है उसको अंदाज़ा है कितनी बड़ी मार्केटें हैं। ये दोनों मार्केट जो हैं, ये लाहौर और इस्लामाबाद, जो कि पाकिस्तान के दूसरे दो बड़े शहर हैं, उनसे ज़्यादा टैक्स सिर्फ ये दो मार्केटें देती हैं, ठीक है। अब कहने को तो जी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी कराची बहुत बड़ा शहर है, कराची पोर्ट सिटी है, इसलिए टैक्स ज्यादा देता है। बिल्कुल ऐसा ही बात है। अच्छा, ये भी एक आर्ग्यूमेंट है जो कि आता है कि जी कराची पोर्ट सिटी है इसलिए सारा टैक्स देता है, कराची में सारे हेडक्वार्टर है इसलिए ज्यादा टैक्स आता है। जनाब, इस चीज को हम बिल्कुल साइड में रख देते हैं। ये जो सिर्फ डेटा है, ये बात करता है कोर, जो एक रिटेलर बैठा हुआ है, ठीक है, जो एक होलसेलर बैठा हुआ है, वो उस इलाके में बिजनेस कर रहा है और उसकी जो इनकम है उसका टैक्स दे रहा है वो। तो ये प्योरली वो टैक्स है जो कि कराची का बंदा यहाँ पे काम करके यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। इसमें कोई वो टैक्स शामिल नहीं है जो कि बैंकों का होगा, इसमें कोई वो टैक्स शामिल नहीं है जो कि किसी हेडक्वार्टर से आ रहा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ वो टैक्स है जो यहाँ पे तिजारत हो रही है, वो उस तिजारत की बिना पर वो लोग एक आमदन है उनकी, उस आमदन की बेसिस से वो लोग टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज नजर आई कि सिर्फ दो मार्केटें जो हैं, दे पे द मोस्ट टैक्स इन, आई वुड से, द कंट्री। अब उसमें से भी इस्लामाबाद में भी आप देख लें कि एक बड़ी मार्केट आती है ब्लू एरिया, उसमें भी मैं तो बोलूंगा उसमें डेटा का थोड़ा इश्यू है। ब्लू एरिया में इतनी कैपेसिटी नहीं है देने की, क्योंकि वहां पे कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स बहुत ज्यादा है, हो सकता है कोई वो वहां पे चीज कंबाइन हो रही हो। बहरहाल, वो और डेटा थोड़ा डिसएग्रीगेटेड आएगा तो वी विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू लुक एट इट। अच्छा, अब हो ये रहा है कि मार्केट्स हैं वो टैक्स दे रही हैं, मगर मेरे हिसाब से अभी भी वो इतना टैक्स नहीं दे रहे लोग जितना देना चाहिए। मगर आप कराची को अगर दूसरे इलाकों से कंपेयर करें, दूसरे बड़े शहरों से कंपेयर करें, तो यहाँ के जो ताजर हैं वो उन शहरों से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। एक आपके बेसलाइन है कि यार हर किसी को आमदन के हिसाब से इतना टैक्स देना चाहिए, लेट्स से एक्स देना चाहिए, ठीक है। कराची वाले ठीक है एक्स दे रहे होंगे, 0.5 ऑफ एक्स दे रहे होंगे, मगर लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहर हैं वो 0.2 भी नहीं दे रहे होंगे। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। कंप्लायंस सबको करनी है, अंडर रिपोर्ट इनकम सब कर रहे हैं, टैक्स इवेजन सब कर रहे हैं, मगर कुछ इलाके, कुछ शहर जो हैं या कुछ मार्केट जो हैं, वो कराची की मार्केटों से कई ज्यादा टैक्स इवेजन कर रहे हैं। फिर ये बात आती है कि यार कराची वाले खुद ज्यादा टैक्स क्यों दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत सखी लोग हैं, वो नहीं जी आप टैक्स ले लें हमसे। एक रीजन इसका ये हो सकता है कि जी यहाँ पे टैक्स कंप्लायंस ज्यादा है और आसान है। आसान इसलिए क्योंकि एक कंसंट्रेटेड मार्केट्स है, बड़ी मार्केट्स में बहुत सारे लोग बैठे हुए, तो एक FPR का जो है वो कोई रीजनल ऑफिस बैठ के, कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बैठ के
लास्ट टैक्स पर यूनिट बैठ के आराम से उनको कंप्लायंस कर सकता है। जितना आप कराची से बाहर जाते जाते हैं उतनी ये चीज कंसंट्रेशन की मार्केट्स की होती लेकिन कम होती जाती है। मार एक एक मैं आपको यहाँ पे कतर कलामी माफ और यहाँ शाहरुख से भी पूछना चाहूंगा, पहले शाहरुख से ही सवाल पूछते हैं क्यों, फिर आपसे भी ये पूछूंगा कि चले ये बात तो आपकी मान ली कि कराची कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन लाहौर भी एक बहुत बड़ा शहर है और लाहौर में भी पढ़े लिखे लोग हैं, अकाउंटेंट्स है, FBR की कैपेसिटी है, NAB की कैपेसिटी है, तो ये कैसे हो सकता है कि इतना ज्यादा फर्क लाहौर जैसे शहर में। और दूसरी बात शाहरुख आपसे इसी सवाल का फॉलो अप ये कि फिर एक आर्ग्यूमेंट कराची वालों का पुराना रहा है कि हमारे शहर से टैक्स ज्यादा कलेक्ट होता है लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आता, उल्टा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑरेंज लाइन, नई बसें वगैरह वो लाहौर रावलपिंडी वगैरह में लग जाती हैं। आपने शहरों के ऊपर काम किया है तो ये किस तरह आप देखते हैं इस डिफरेंस को? शुक्रिया। सबसे पहले तो कूडोस टू मार, डेटा के साथ काम करना एंड उसको एक्सट्रैक्ट करना, मुझे पता नहीं वो एक्सेल में था या पीडीएफ में था, प्रॉब्ली पीडीएफ में होगा, उसको निकालना, उस पर काम करना टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स एंड मच ब्रेवर मैन देन मी हैज टू ट्राई इट, सो कूडोस फॉर दैट। पहले ऑन द रीजंस क्यों होगा, मुश्किल सवाल है क्योंकि वी कांट, हमें सर्टेनिटी नहीं पता है व्हाट इज द मेन ड्राइविंग फोर्स। तो जिस तरह हम कह रहे थे इन्फोर्समेंट, जो नॉर्मली आप टैक्स की आपका रेवेन्यू है, इट्स अ रिजल्ट ऑफ इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट के अंदर इन्फोर्समेंट जो है वो मेन कॉन्सिक्वेंस है ऑफ इन्फॉर्मेशन का। अगर आपको पता है कि एक पार्टी या एक एजेंट जो है वो उसकी इनकम क्या है तो इट्स ईजियर टू इन्फोर्स दैट, एंड दैट्स लार्जली द मेन कंस्ट्रेंट होता है डेवलपिंग ममालिक में कि क्यों यहाँ टैक्स रेवेन्यू कम है, कि आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, इनफॉर्मल ट्रांजेक्शन होती है। तो शायद एक वजह ये हो, और उस इन्फोर्समेंट के अंदर जो है आपकी हाउ मच एबिलिटी और एफर्ट जो है वो FBR पुट इन कर रहा है कलेक्टिंग एक RTO से वर्सेस अदर RTO, दैट मैटर्स। उसमें कुछ पॉलिटिक्स भी होगी जरूर FBR की इंटरनली के कहाँ जो है कंप्लायंस उनकी तरफ से इन्फोर्समेंट करना आसान है पॉलिटिकली और कहाँ नहीं, मगर इट प्रॉब्ली इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दिस। फिर कंप्लायंस की बात आती है, इज इट ईजियर कि इंट्रिंसिकली पीपल कराची में जो मार्केट के ट्रेडर्स हैं वो कंप्लाई करने के लिए तैयार हैं वर्सेस लाहौर फैसलाबाद, आई कांट नो फॉर सर्टन। मैं जनरली कंप्लायंस के आर्ग्यूमेंट पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में शायद बहुत थोड़ा सा हो, वो ये कहता है कि एवरीवन ट्राइज टू अवेयर टैक्सेस, सम पीपल आर जस्ट बेटर एट इट देन अदर्स, राइट। मगर अगर हम अज्यूम करते हैं कि इस्लामाबाद और लाहौर में भी उसी लेवल के अंडर कंप्लायंस है या अंडर रिपोर्टिंग है तो फिर दैट कंट्रोल्स फॉर इट। उसके अलावा तीसरा जो अमार आई प्रिज्यूम डिसएग्रीज टू सम एक्सटेंट, मगर बेशक इनकम, बेशक हम कॉरपोरेशन और कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स की बात नहीं कर रहे और ट्रेड की बात नहीं कर रहे, मगर बिकॉज कराची इज सच अ बिग सिटी, इट्स हाईली लाइकली कि इट्स अ मच मोर प्रोडक्टिव सिटी टू बी इन, राइट। सो और ये सिर्फ कराची के लिए इज मच मोर स्टार्क, मगर पाकिस्तान का फेडरल रेवेन्यू लार्जली जो है वो इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के RTO से आता है, अबव 70% और समथिंग लाइक दैट। तो कराची क्योंकि ज्यादा प्रोडक्टिव सिटी है, लोगों की इनकम ज्यादा है, शायद ट्रेडर्स का रेवेन्यू ज्यादा है और उसकी वजह से शायद कोई कंप्लायंस पे भी इफेक्ट है। तो माई आंसर टू इट इज प्रॉब्ली इट्स बिट्स ऑफ बोथ, बिट्स ऑफ ऑल थ्री। सो कुछ कंप्लायंस का है, कुछ इन्फोर्समेंट का है, कुछ जस्ट बिकॉज कराची एक बड़ा शहर है, वहाँ प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, इनकम है। इससे दो चीज़ें मेरे लिए सवालात या उसके दो मेन पॉइंट्स निकलते हैं। पहली तो ये चीज़ है कि अगर विद द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर और करंट सर्विस डिलीवरी के साथ अगर आप इतना रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक शहर से, तो इमेजिन कि अगर आप उसके सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करें और जो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं वहाँ फर्म्स के ग्रो या मार्केट को ग्रो करने के लिए, अगर उसको बेहतर करें तो हाउ मच मोर रेवेन्यू कैन गेट फ्रॉम द सिटी। Essentially, the point is on the potential of Karachi kitni zyada hai, even with its dysfunctional public governance. Dusri baat jiske upar Uzair, you were referring to, ke kya ye link karta hai aapki public service delivery ke saath. So, jo Twitter pe baat ho rahi thi, wo isse prompted thi ke Lahore mein nahi Pakistan ki pehli LRT jo hai wo launch ho rahi hai, Orange Line. और कराची के पास BRT भी नहीं है, कोई इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। और ये बड़ा ज़रूरी सवाल है कराची के रहायशों के लिए कि अगर हम इतना ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं कि हमारे उससे उसकी कॉरस्पॉन्डेंट हमें सर्विस डिलीवरी नहीं मिल रही, और उसका जवाब जो है वो टैक्सेशन के ऊपर कम है और वो पॉलिटिकल इकॉनमी के ऊपर ज़्यादा है, और उसके ऊपर भी गुफ्तगू कर सकते हैं अगर अभी आप मुझे चाहते हैं। आई कैन से फ्यू स्टफ या वी कैन कम बैक टू इट।
अमार आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पे? आते हैं शाहरुख पॉलिटिकल इकोनॉमी पर, और क्योंकि उसका लिंक है सॉल्यूशन से, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है? उज़ैर, दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड नथिंग एल्स. मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड करूंगा. मार्केट्स को छोड़ के अगर आप सिर्फ इंडिविजुअल्स का देखें, पहले ये आता किसी ने एक्सरसाइज नहीं करी कि जी इंडिविजुअल्स कितना टैक्स देते हैं. फिर वही वाली बात, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स हैं, फलाना ढिमाका, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इंडिविजुअल्स अगर हम CNIC के हिसाब से ट्रैक करते हैं तो कराची की जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दे पे मोर टैक्सेस देन एनीवन एल्स. ठीक है, ऑफ द टॉप 10 कराची जो डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री, कराची इज अमंग द टॉप 5. ठीक है, जो इसकी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स है, कराची ईस्ट एंड कराची साउथ पे द हाईएस्ट पेइंग टैक्स डिस्ट्रिक्ट. और अगर कराची ईस्ट और कराची साउथ का अगर हाल देख लें तो मतलब इट्स जस्ट इम्पॉसिबल कि आप गाड़ी वहां पे चला लें. खैर, इट इज पॉसिबल, बट बहुत सारी जगहों पे देयर आर पॉट होल्स एंड एवरीथिंग. इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ मेजर इशू. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कराची वाले टैक्स नहीं दे रहे, बट देन अगेन इट्स ऑल अबाउट क्या कहते हैं उसको जी, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन. If I'm not wrong, I think ये कहते हैं, no tax without. मैं अमेरिका में बैठा हूँ, अमेरिका में revolution. अमेरिका में तो यही बोलते हैं ना वहाँ, फिर no tax without representation. This is it. कराची में आप देख लें किसकी representation है कराची से, और whether कराची has the political capital. कराची does not have the political capital to call the shots. कराची में आप यहाँ पे एक road नहीं बनवा सकते unless it has been authorized by the by Sindh government. And whoever gets a majority in the Sindh government does not have to get elected from Karachi. Even after getting, matlab, it's really sad to say this, but even the president of Pakistan cannot get piped water in his house. Okay, president of Pakistan is from Karachi. The governor of Sindh is from Karachi. A lot of federal ministers are from Karachi. Unke khud ke ghar mein pipe se pani nahi aata hai, to wo dusron ki kya baat karein? Unke khud ke ghar mein tanker dalta hai. So you got a megapolis, okay, one of the largest cities in the world. और यहाँ पे टैंकर, वाटर टैंकर्स आर अ बिग बिजनेस. देयर इज नो पाइप वाटर, देयर इज नो वेस्ट मैनेजमेंट कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इन द सिटी. देयर इज नो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. ठीक है, तकरीबन कोई 22-23 मिलियन बंदा जो है वो कराची में रहता है, एंड ऑल ऑफ दैट जस्ट फ्लोज इनटू द अरेबियन सी. नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट जी विल डेवलप बंदूल एंड बंदू आइलैंड्स. यार जो है एटलीस्ट जो कचरा फेंक रहे हो आप पानी में, यू एटलीस्ट क्लीन दैट अप. आई मीन नो वन वांट्स टू स्मेल, अपोलॉजीज फॉर द लैंग्वेज आई एम गोइंग टू यूज, नो वन वांट्स टू स्मेल शिट. ठीक है, व्हाइल लिविंग ऑन दोस आइलैंड्स, सो एटलीस्ट यू नो हैव इन प्लेस अ सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी फर्स्ट एंड देन थिंक अबाउट डेवलपिंग येट अनदर दुबई और हांगकांग और इवन ब्लडी मार्स. सो आई थिंक इट दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट, दिस इज अ प्योरली पॉलिटिकल इकोनॉमी इशू. Karachi pays a lot of taxes. Aur jo hum abhi baat kar rahe hain, this is only income tax. Once you start adding consumption taxes, once you start adding state taxes, the amount is ridiculous. Theek hai, but again, no representation. So in a way, Karachi ke jo shahri hain, wo baaki shahron ki jo development ho rahi hai, usko subsidize kar rahe hain aur unko khud peene ka saaf paani nahi mil raha. Shahrukh, aapne shahron ke upar kaafi kaam kiya hai, globally bhi dekhte hain, to ab ye agar political economy issue hai, to iski solution kya hai? Like Karachi wale kis tarah jo tax ka paisa apna dete hain, usse service delivery kaise vasool kar sakte hain? It's easier said than done. I agree with entirely jo Amar keh rahe hain. आई थिंक मेजॉरिटी जो ओवरऑल टैक्सेस हैं उसकी मेजॉरिटी कराची से आती है, कराची के आरटीओ से, इतना मुझे आई एम प्रीटी श्योर अबाउट. बेसिकली मसला ये है, पाकिस्तान के तमाम शहरों का, एंड आई एम गोना बोरो द टर्म फ्रॉम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ओरिजिनल सिन है कि किसी भी शहर के पास एक प्रॉपरली इंटीग्रेटेड डाउनवर्डली अकाउंटेबल लोकल गवर्नमेंट नहीं है. मगर उसके बावजूद कुछ शहर, मसलन लाहौर, वहाँ सर्विस डिलीवरी और पब्लिक सर्विस डिलीवरी अब पाकिस्तान के इनकम ग्रुप के पाकिस्तान के बाकी शहरों के निस्बत बेहतर है. आई थिंक वी कैन ब्रॉडली एग्री ऑन दैट. और वो दैट इज अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल इकोनॉमी रीजन फॉर इट, राइट? सो कराची को अगर हम देखते हैं, मैं उस पर आता हूँ, कराची को हम देखते हैं तो कराची की जो फॉर्मल गवर्नेंस और टेक्निकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो हाईली फ्रेगमेंटेड है. जो मेयर है उसके उनके पास जो है ना 30-35 फीसद इलाके के ऊपर कंट्रोल है. फिर 5-6 कंटोनमेंट्स हैं, कितने अच्छे खासे कंटोनमेंट एरियाज हैं. दे कवर बल्क ऑफ द लैंड मास, और उसके अलावा बल्क ऑफ द हाई इनकम पॉपुलेशन लिव्स देयर, जिसका एक अलग फिस्कल कंसर्न आती है.
और उसके अलावा फिर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल आता है, जो स्पेशल कंट्रोल है वो भी फ्रेगमेंटेड है. उसके अलावा वही कंट्रोल अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें, यानी उसकी फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर, वो भी फ्रेगमेंटेड है, और विद इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी फ्रेगमेंटेड है. सो देयर इज नो सिंगल एजेंसी और इंटीग्रेटेड काउंसिल ऑफ एनी सॉर्ट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, राइट. और कुछ शहरों में, और ये कराची इज perhaps less of an exception on this, ठीक है, अफ्रीका में भी और जुनूबी एशिया और बाकी जिनको डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं, वहाँ अक्सर शहर जो है ना वो अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होते हैं, तो वहाँ हुकूमतें जो होती हैं जो देर नॉट डेमोक्रेटिक इनफ, दे ट्राई टू कंट्रोल पावर एज मच एज दे कैन. कंपाला में भी यही केस है, मगर वहाँ उन्होंने कुछ जगहों पर उन्होंने ये किया है कि प्रेजिडेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट एक फेडरली या सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल इंटीग्रेटेड एजेंसी बना लेती है अथॉरिटी, और उसके थ्रू सर्विस डिलीवरी कर दिया, वो बेहतर होगी कराची के नस्बत. कराची इज अ हॉटस्पॉट ऑफ डिफरेंट एक्टर्स ट्राइंग टू प्रोवाइड डिफरेंट थिंग्स. अब इसका जो मेन, बट दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस फंडामेंटली ऑफ द फैक्ट के कराची और सिंध के दरमियान में, दिस इज प्रॉब्ली नॉट द राइट पॉलिटिकल टर्म टू यूज, बट दिस इज अ वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन ऑफ पॉलिटिक्स. इंसेंटिव ही नहीं है आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिसके पास डिवॉल्व्ड अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशनली, टू फर्दर आइदर डिवॉल्व अथॉरिटी और प्रोवाइड सर्विसेज. दैट्स व्हाट एमआर, अनलेस आई एम इनकरेक्ट, वाज रेफरिंग टू. ठीक है, लाहौर में देयर इज अलाइनमेंट देयर. बेशक लाहौर का कोई मेयर नहीं है, लाहौर की एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट नहीं है, उनका जो काउंसिल थी वो डिवॉल्व हुए, उसको अर्सा हो गया और नए एक्ट के थ्रू इलेक्शन भी नहीं हुए अभी तक, मगर उनकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, वो वर्टिकल इंटीग्रेशन रखते हैं. ये मुझे याद नहीं आ रहा, ये पेपर था आई थिंक डैनियल गंस के, रिसर्चर हैं डीसी में, उन्होंने ये अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में इस पर बड़ी रिसर्च की, बात की, और उसकी वजह से वहाँ जो है ये आपको फॉर्मलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना हॉचपॉच नजर आते हैं. तो इसका ऑफकोर्स एग्रीड, इसका रीजन जो है ये सियासी है. जब तक या तो पीपीपी कराची में डजंट बिकम वायबल, या सम अदर पार्टी व्हिच इज वायबल इन कराची इज नॉट वायबल इन सिंध, और यू टेक द रूट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन डाउनवर्ड्स फर्दर टू. शाहरुख, लेट मी पुश बैक हियर अ बिट, क्योंकि तारीख का अगर हम हवाला लें तो 1960-70-80 में कराची जो था वो पीपल्स पार्टी का गढ़ था. यहाँ से भुट्टो साहब भी जीतते थे. भुट्टो साहब की जो ऑटोबायोग्राफी है उसके अंदर भी जो आज मसाइल हैं कराची के, पानी नहीं है, कचरा है, मक्खियाँ घूम रही हैं, वो उसमें भी लिखा हुआ है, उन्होंने साफ करने की कोशिश की. तो उस वक्त तो इंसेंटिव था, इफ़ यू आर राइट, लेकिन उस वक्त भी कराची के हाल को इतने बेहतर तो नहीं हुआ, हालांकि बुरे ही उसी टाइम से बुरे होते चले आ रहे हैं. तो अब इंसेंटिव नहीं आया, एग्री, लेकिन जब इंसेंटिव था तब भी कुछ हो तो नहीं सका ज़्यादा कराची के लिए. That's a good point. I don't know particularly at what point or what sharpness tha incentive ka ke providing the services. Shayad Sindh mein, I haven't been to interior Sindh, so perhaps wahan bhi service delivery shayad bahut behtar na ho. Aur uske bawajood, basic incentive hone ke bawajood. Magar agar hum usko Lahore se compare kare, so I think the logic of this vertical integration, your vertical fragmentation holds. So perhaps in 1960s or 70s, Lahore's delivery of public service was also quite substandard at the point we are right now. So it does require a bit more thought from political economy angles. कि उसके political settlement किस तरह बना है, कौन सा equilibrium वहाँ से establish हुआ है, और उसके through फिर you can literally go and compare जो आपके formalized governance structures हैं उसको किस तरह resemble करते हैं. मगर the people who get really screwed over, and I'm sorry, I'm not from Karachi, so it feels like gloating from if you're not. are people of Karachi. मैं IBM में कुछ हफ्ते पहले एक lecture दे रहा था और वो मैं उनको property tax की बात कर रहा था, and everyone said कि हम पहले इतना tax देते हैं, हमें मिलता कुछ भी नहीं in return, and that's a very fair point. और नहीं मिलता उनको, and especially if you can look at pictures of BRTs and LRTs. मैं खुद Clifton में बड़ा हुआ हूँ, block 8 में, और जब से मुझे याद है हर साल बारिशों में मोहल्ला डूबता है, कभी ज्यादा डूबता है कभी कम डूबता है, लेकिन डूबता हमेशा है. और सीबीसी का जो एरिया है वो तो फिर भी पॉश इलाका है. अमार, आखिरी सवाल, और शाहरुख से भी आखिरी सवाल पूछूंगा, अगर चिकन एंड एग प्रॉब्लम है, अगर इंसेंटिव ही नहीं है पॉलिटिकल इकोनॉमी ठीक करने का, तो फिर कराची वाले क्या करें? टैक्स देते रहे इसी तरह और गटरें भी उसमें भी तैरते रहे और पानी भी ना हो और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ना हो, तो क्या करें कराची वाले?
उज़ैर, मैं जो है आजकल वन थॉट दैट हैव डेवलप्ड ओवर द इयर्स कि देयर इज अ मास माइग्रेशन ऑलरेडी हैपनिंग, ठीक है, फ्रॉम कराची देयर इज अ मास माइग्रेशन हैपनिंग, ह्यूमन कैपिटल इज लीविंग कराची एंड इट्स नॉट लीविंग कराची फॉर लाहौर और इस्लामाबाद, ह्यूमन कैपिटल इज लीविंग दिस कंट्री, लीविंग पाकिस्तान, विच इज अ लॉस फॉर पाकिस्तान, ठीक है, आप भी जो है यूर आउटसाइड द कंट्री, शाहरुख इज आउटसाइड देयर, आई जस्ट शटल इन एंड आउट, ठीक है, एंड व्हाई? बिकॉज़ यू एक्सपेक्ट सम बेसिक सर्विस डिलीवरी, सम बेस लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर टू वर्क विद, ठीक है, यू आर नॉट सिंपली गेटिंग दैट डिस्पाइट पेइंग ऑल द टैक्सेस, ठीक है, द आई पे मोर टैक्सेस देन आई वुड से द प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नर सिंध एंड वन मोर पर्सन कंबाइंड टुगेदर, ठीक है, आई एम इन डेट, आई माई लाइबिलिटीज आर ग्रेटर देन माई एसेट्स एंड आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ हैविंग एसेट्स ऑफ लाइक दोस पीपल, ठीक है, अगेन इज एनी वन टेकिंग नोटिस, बट यू नो यूर अ सैलरीड पर्सन, यू शुड बी पेइंग मोर टैक्सेस, श्योर, बट इफ आई एम पेइंग टैक्स, आई डोंट माइंड पेइंग टैक्सेस, ठीक है, मैं ये कहता हूँ यार टैक्स दे रहा हूँ उसके अगेंस्ट कुछ मुझे सर्विस तो मिले, उसके अगेंस्ट एटलीस्ट माई इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो थोड़ा बेहतर हो, और कराची में ये था, ठीक है, बिटवीन 2000-2010 वो फिर एक और आर्ग्यूमेंट आ जाता कि जी फौजी हुकूमत थी, फलाना धमाका, ठीक है, थी सब कुछ था, मगर कराची वाज स्टिल डूइंग वेल, ठीक है, 2010 के बाद से जो हालत हुई है देयर इज नो टर्निंग बैक, और चीजें और बद से बदतर ही होती जा रही हैं, ठीक है, मतलब मैंने जैसे आपसे बोला कि ना इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ना पानी का इंतजाम है, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, मतलब दिस प्रॉब्ली दी ओनली सिटी, दी ओनली मेगा सिटी इन द वर्ल्ड जिसका कोई इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, ठीक है, बड़ा कोई ऑनलाइन लोग जो है बात कर रहे होते हैं कि जी हुकूमत क्यों सब्सिडाइज करे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स को, भाई आप लोग ने आखिरी मरतबा पब्लिक ट्रांजिट इस्तेमाल कब करी, आपने गाड़ियों से निकले कब जो आपको पता लगे, यहाँ पे अगर हमारा कोई डोमेस्टिक स्टाफ होता या कोई भी होता है वो उसका डेली का कम से कम 100-150 रुपए खर्चा आने जाने का, अगर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में ही उसका 20-25% उसके महाना इनकम चली जाएगी तो फिर वो यार वो बचाएगा कहाँ पे, ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें डाल लें, सो कराची सिर्फ, मैं ये नहीं कहता कराची साउथ ही है या कराची ईस्ट ही है, आप कराची में साउथ में आप लियारी में जाके देखें, लियारी पीपल्स पार्टी पिछले को 30-35 साल से वहां से जीत रही है, लियारी की कंडीशन, लियारी इज द ओल्डेस्ट सेटलमेंट ऑफ कराची, ठीक है, अगर आप इसकी तारीख पढ़ें, मगर वो वहां पे उन्होंने कभी काम नहीं करा, अब इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स अलाइंड नहीं है, क्या है क्या नहीं है वी जस्ट डोंट नो, मगर बात सारी ये है कि कराची में किसी ने भी सीरियसली, किसी ने भी दिल से या किसी लोकल ने कभी काम नहीं करा, जो भी आता है कोई बाहर से कराची से आता है, ठीक है, और वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करके चला जाता है, ठीक है, मैं तो कुछ यहाँ पे इदारे हैं, कुछ इदारों को तो मैं यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी बोलता हूँ, वो कुछ इस तरह करके काम करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट यू गेट द रेफरेंस। और ओवरऑल जो डेटा ऑफ इस डिस्कशन से जो बात बाहर आई है कि ये रिसोर्स का इशू नहीं है, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का इशू है, इंसेंटिव का इशू है। शाहरुख, आखिरी सवाल ओवर टू यू, कि अगर इंसेंटिव ना हो पॉलिटिकल इकोनॉमी ठीक करने का, तो क्या आपने कुछ अपने एक्सपीरियंस में एकेडमिकली या रिसर्च में कुछ देखा है जहाँ चीजें बेहतर हो जाती हैं विदाउट द इंसेंटिव टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल इकोनॉमी? इसका सवाल मेरे जवाब मेरे पास होता तो मैं नोबेल प्राइज भी पढ़ा होता पीछे। मैं दो चीजें कहूंगा, नॉट दैट हेल्पफुल। पहला तो ये होगा कि आई थिंक देयर इज अ नीड नॉट ओनली फॉर पीपल इन कराची मगर पाकिस्तान भर में एक केस बनाने का कि कराची अगर इतनी पोटेंशियल है और इतना टैक्स रेवेन्यू दे रहा है, अगर कराची डज बेटर, the federal government rightfully claims a lot of the chunk of the revenue, to unka bhi revenue increase hota hai. Ab ye hota hai ki wo foresight aur uska masla hai, magar pehli baat to ye hogi to make the case for more investment and a better run city. Dusri baat, kyunki hum tax ki baat kar rahe the, there's also a case to be made of local taxation there, jo aap service delivery ke sath much clearly link kare, because at the heart of this debate is the tie between service delivery and taxation na, to kuch taxes like income tax jo hote hain wo hamesha ek lambi chain se wapas aayenge, theek hai, wo jayenge federal ko, fir nfc ke through province ko, fir agar local government kal ko hui bhi empowered kism ki, fir uske paas aayenge. It's highly unlikely that there will be direct link there, and quite rightly so. Jo local taxation, especially property ki, land ki, or any other form of wealth taxation jo spatially bound hai,
उसका केस बनाना इज ऑल्सो रियली इम्पोर्टेंट हियर कि अगर वो, और हमें पता है रिसर्च से, DRC में रिसर्च है, उसके अलावा दीगर शहरों में है, पंजाब में एक RCT हो रहा है इस बारे में, कि अगर आप उसको लिंक करें विद लोकल सर्विस डिलीवरी इन अ लोकली अकाउंटेबल गवर्नमेंट, तो एक बेहतर तरह से लोग उसको, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल भी रखेंगे क्योंकि वो टैक्स देते हैं, और वो गवर्नमेंट के पास एक स्टेक भी होगा कराची के प्रोग्रेस में. मगर अगेन उसके लिए दोबारा मसला आता है कि यू नीड सम सॉर्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड या एम्पावर्ड फॉर्म ऑफ लोकल गवर्नमेंट. How do you get there? I have no clue. Hopefully someone has a better idea. I think, I'll just add one thing to Shahrukh's point. Local representation, local empowerment is critical here. आप जिस इलाके में रहते हैं उसका भी जो CEO है, या आप जिस इलाके में आपका घर है उसका जो CEO है, वो भी जो है कहीं ना कहीं से अपॉइंट होके आता है, जरूरी नहीं उसी इलाके का हो. तो अगर जो बंदा उस इलाके को पूरा देखना है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस इलाके में ना कभी रहा है और ना कभी आगे जाकर रहेगा, वो सिर्फ एक डेप्यूटेशन पे आया, तो आई डोंट थिंक उसके ना कोई इंसेंटिव उसके पास इम्प्रूवमेंट लाने का, ना ही उसकी कोई एज सच मोटिवेशन है. सो आई थिंक लोकल रिप्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल है. नो, आई फुली एग्री, एंड आई थिंक अगेन ये सब होने के लिए पहले प्रोविंशियल असेंबली में लोकल गवर्नमेंट बिल आए, ड्राफ्ट हो, पास हो, तो फिर बात बनेगी. बट लेकिन शाहरुख, आई फुली एग्री के जो लोकल टैक्सेस हैं वो एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं पावर देने का. मैं जो फैक्ट, मैंने लास्ट इस दफ़ा जब बारिश हुई कराची में, तो मैं देख रहा था कि सिंध का जो टोटल प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन है वो भारत के शहर पूना से, पूना एक बहुत छोटा शहर है, बड़ा भी शहर नहीं है भारत का, उसका 10% है. तो यानी कि पूना जैसा शहर सिंध के मुकाबले में प्रॉपर्टी टैक्सेस में 10 गुना ज़्यादा टैक्सेस, तकरीबन $100 million के करीब, अगर मैं रिमेम्बर कर रहा हूँ सही तरह, कलेक्ट करता है. तो अगेन उसका एक इम्पैक्ट होता है शहर की डेवलपमेंट पे. लेकिन वो एक फिर डिप्रेसिंग टॉपिक है कि आप पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसे ठीक करें. लेकिन अलबत्ता बात यह है, और सुनने वालों को शायद इस बात पर हैरानगी यही हुई होगी, मुझे भी हुई थी जब अम्मा ने डेटा देखा, कि कराची जैसा शहर जो है वो रिसोर्सेज का मसला नहीं है, टैक्सेस बहुत देता है, इनकम टैक्सेस बहुत देता है. मैं एक डेटा पॉइंट देता हूं आपको मोटर व्हीकल टैक्स का, ठीक है? मोटर व्हीकल टैक्स कराची से कितना जनरेट होता है, आप जस्ट लुक इट अप एंड यू विल फाइंड ऑल आंसर्स. लोकल टैक्सेस की बात हो रही है, मोटर व्हीकल टैक्सेस एज लोकल एज इट कैन गेट, ठीक है? बट कराची जनरेट्स मोर मोटर व्हीकल टैक्स देन एनी अदर सिटी इन द कंट्री, ठीक है? मगर आप सड़कों का हाल देख लें कराची का, इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू. तो आई थिंक दिस इज प्योरली पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है? एंड नथिंग एल्स. द सॉल्यूशन हियर इज पॉलिटिकल, नॉट इकोनॉमिक, ठीक है? रिसोर्सेज आर देयर, स्ट्रक्चर्स आर देयर, सब काम हो जाएगा. द विल, द इंसेंटिव टू डू दैट इज द की. द विल टू डू, इनफैक्ट द विल टू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग. वेल, थैंक यू आप दोनों का, आपने टाइम निकाला. इंटरेस्टिंग डिस्कशन एज ऑलवेज. ट्विटर की डिस्कशन थी, वन ऑफ द नॉर्मल ट्विटर डिस्कशंस पीपल टिपिकली हैव, तो अच्छा हुआ इसकी रिकॉर्डिंग हमने कर ली. सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड रेस्ट ऑफ द इवनिंग. और एक बार फिर आपको बुलाएंगे, अमार को तो मैं बुलाता रहता हूँ, शाहरुख आपको भी अगली दफा बुलाएंगे किसी और टॉपिक पे. खुदा हाफिज़. थैंक यू गाइस. थैंक यू सर. खुदा हाफिज़.